सबसे पहले सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, यहां पर कई पार्टियों ने 13-13, 14-14 साल से कोई संगठन नहीं बनाया। पार्टी ने जो अपना समय दिया, समय निर्धारित सीमा के अंदर रहते हुए पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपना संगठन अनाउंस किया, और जो संगठन पार्टी का बन के आया है ये 2024 के लिए मनोहर लाल खट्टर की सरकार की विदाई का एक जीता जाता सबूत होगा। जिला कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग 40 पदाधिकारी पार्टी ने नियुक्त किए हैं, जिसमें सभी साथियों को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ समय समय अनुसार उनको आगे भी चेंज किया जाएगा। आपको जिला प्रधान बनाया, क्या कहेंगे आप? मैं अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी का, प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी का, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी का, और इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तावर जी का, सभी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक मजबूत संगठन हमारे को दिया। और आज तो कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पार्टी का धन्यवाद है, कार्यकर्ताओं का स्वागत है, और कल से बीजेपी और बीजेपी की बी टीम कांग्रेस इनको आमीन के किए हुए कार्यों का आईना दिखाने का कार्य हम कल से स्टार्ट कर देंगे। प्रवीण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंच गए, हमारे भाई प्रवीण चौधरी जी स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कार्यों के साथ स्वागत कर रहे हैं। संजय चौधरी भी पहुंच गए हैं, संजय चौधरी भाई हमारे जी। बलबीर जी क्या स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी, जोरदार ताड़ियों स्वागत करें भाई। पार्टी के बारे में देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कल हमारी पार्टी ने संगठन की तकरीबन सारी सूचियां जारी कर दी, और मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे भी हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं सत्य निष्ठा से और ईमानदारी से। अब नई पारी, अब जो एक साल का जो समय बचा है, तो हम एक ऐसी पारी हम यहां पर एक स्थापित करेंगे कि दूसरी अन्य पार्टियों को, क्योंकि अभी क्या दिख रहा था, आप लोग भी महसूस करते थे कि आम पार्टी वाले अब सुस्त क्यों हैं, लेकिन हम तेल की मालिश कर रहे थे। लेकिन अब मैं तो धन्यवाद करता हूं कि एक जिला अध्यक्ष भी ऐसा काबिल और बढ़िया भाई जगवीर सिंह जी को पार्टी ने चुना है। हम सभी मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बहुत जल्द हम विधानसभाओं में अध्यक्षों की नियुक्ति भी करेंगे, और ऐसे अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे कि जिनका जनाधार होगा, और जनाधार होगा तो पार्टी को मजबूत करने में हम सभी साथी बगैर किसी भेदभाव के आपस की फूट को, आपस की लड़ाई को एक तरफ रख करके हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर अन्य पार्टियां, जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं, तो वो भी ये महसूस करेंगी कि आम आदमी पार्टी ने इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे कर ली, कितनी कड़ी इन्होंने मेहनत की। तो साथियों, मैं तो ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि केजरीवाल जी एक ईमानदार आदमी है। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरा भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा, न जाने कितने प्रधानमंत्री देखे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा तानाशाह प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, जो भी कोई आवाज उठाता है, तो वो उसके खिलाफ उसी समय कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज हमारे ईमानदार नेता
स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, सिसोदिया जी, जिन पर आज तक ईडी ने सीबीआई ने एक भी कोई किसी तरह का साबित नहीं कर सके उनके खिलाफ कोई शिकायत, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल में रखा हुआ है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। 1977 में से पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसी तरह की जाति की थी, लेकिन जनता ने सबक सिखाया था। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो अहंकार उनके अंदर आज पैदा हो रहा है, ये अहंकार, ये जनता इस आने वाले चुनाव में अहंकार को समाप्त करके धराशाही करेगी, मिट्टी में मिलाएगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर्वप्रथम मैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी मीटिंग में बड़े समय पे पहुंचे। मैं सभी के स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना करता हूं। उसके साथ साथ अगर कोई हिंदुस्तान में अगर कोई असली बात कही जाए, कोई पार्टी का नेता अगर कोई प्रोग्राम लेकर के चल रहा है, उसका नाम केवल माननीय अरविंद केजरीवाल है। लोगों में धरातल पे एक बात सुनने को मिल रही है कि किसी भी पार्टी का प्रोग्राम ऐसा अच्छा कि जो माननीय केजरीवाल जो प्रोग्राम लेकर के चल रहा हो, वो माननीय केवल केजरीवाल जी हैं। और ये बार बार जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा कहना इसलिए उचित नहीं है कि सबको बड़ी भांति पता है कि ये भ्रष्टाचार में चरम सीमा को लांघ गई है। और ये बात जब जाहिर है, कोई भी कोई नैतिकता की कोई लोकतंत्र की बात अगर करना चाहे तो कहीं ईडी की बात कहीं किसी बात में उसको फंसा करके उसको एक धर्म